हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस, ठीक है, इससे पहले हम लोग दो रिएक्शन कवर कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस, ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और गाइस, एक टॉपिक और कवर करेंगे, एक्टिविटी 1.9, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइस, पहले जानते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज़ होता है, ठीक है। गाइस, इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, रिमूव अनदर वन व्हिच इज लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस, में क्या होगा, एक जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा अपने से कमजोर रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब गाइज, इसको समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हम लोग का एक्टिविटी 1.9 का पूरा सेटअप, ठीक है। आपको पहला स्टेप क्या करना है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, ठीक है। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको टेक 2 टेस्ट ट्यूब, दो आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको मार्क कर देना है ए और बी, ठीक है। और सब में क्या करना है, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है, ठीक है, तीनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, इसको बांध देना है नेल्स को, ठीक है, थ्रेड से, और इसको डुबो देना है, ठीक है, केयरफुली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ठीक है। कीप 1 आयरन नेल्स साइड एसाइड फ्रॉम फॉर कॉम्पेरिजन, और एक नेल्स को आपको रखना है अलग से, ठीक है, डुबाना नहीं, ठीक है। उसके बाद गाइस, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसके बाद 20 मिनट बाद क्या करना है, आपको नेल्स को निकाल देना है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। और उसके बाद क्या करना है गाइस, देखो, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तब उसका हम कलर चेक करना, ठीक है, कुछ चेंज आया क्या, पहला चेक करना आपको कलर, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। उसके बाद गाइस, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स। सेकेंड आपको क्या करना है, जो नेल्स का कलर है उसको भी चेक करना, ठीक है, जो आपने डुबोया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में वो क्या कुछ चेंज किया कि नहीं, उसको आपको देखना है, ठीक है, उसको कंपेयर करना है जो आपने उसको बगल में रखा था जिसको डुबाया नहीं था, ठीक है। तो गाइस, ये हम लोग का है आयरन नेल्स, ठीक है, जिसको हम नहीं डुबाए हैं वो ला है, ठीक है, और जिसको डुबा के हम चेक कर रहे हैं वो ला ये, ठीक है, ये हम लोग का है आयरन नेल्स टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, जिसको निकाल के रखे हैं, ठीक है। और ये गाइस, ये हम लोग का टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा गया है, ठीक है। और गाइस, ये हम लोग का है रिएक्शन मिक्सचर जिसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब बी में रखे गए, ठीक है। अब गाइस, आपको पूरा फंडा समझ में आएगा इस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये हम लोग का फेरस है, ठीक है, एफ ई है प्लस कॉपर सल्फेट, ध्यान देना, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। अब गाइस, ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, ये 1 है सब कुछ, ये 2 है, ठीक है। ये जो फेरस है हम लोग का 1 माने हैं और कॉपर को हम 2 माने हैं, ठीक है। तो गाइस, रिएक्टिव सीरीज पढ़ोगे तो ये फेरस क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अभी बताए थे, अगर जो हाईली रिएक्टिव होता है क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, सॉल्यूशन से, एक्वा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो क्या करेगा, फेरस हटा देगा कॉपर को सॉल्यूशन से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का बनेगा फेरस सल्फेट बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव वाला है। अब गाइज, कलर चेक करते हैं, कलर क्या होगा, देखो इसका कलर क्या था, ब्लू था, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या था, पहले रिएक्शन से पहले ब्लू था, ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन के बाद देखोगे तो ये फेड हो जाएगा, ठीक है, कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फेड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और गाइस, साथ ही साथ क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पर, देखो आयरन नेल्स जो यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पर कलर देखो सफ़ेद दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ब्राउन हो गया है, ठीक है, कैसा हो गया हम लोग का, थोड़ा सा ब्राउन हो गया, ठीक है, ब्राउनिश हो गया नेल, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस हमको, तो गाइज ये दो चेंज आपको दिमाग में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब कुछ गाइज हम लोग अदर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जिंक है हम लोग का, देखो जिंक यहाँ पर है और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को फिर से हटा देगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार गाइज देखो पीबी है, ठीक है, और ये हम लोग का ये क्यूप्रिक कॉपर क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद गाइज देखो ये सेकंड है पीबी यानी लेड है, ठीक है, ये लेड है और ये हम लोग का है कॉपर क्लोराइड, ठीक है, CuCl2, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर क्या है, देखो लेड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, फिर से क्या करेगा, ये कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, और कॉपर हो जाएगा अलग, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जिंक एंड लेड क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर, इसलिए क्या होगा, द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं हम फिर से एक नेक्स्ट रिएक्शन में, एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।